नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज कल्याण फरवरी 2023, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, इसके कुछ अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवती श्री सरस्वती, या कुंदेन्दुसारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीडावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देव सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में श्रेष्ठ वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमल पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वे संपूर्ण जड़ता और अज्ञानता को दूर कर देने वाली सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। अविनाशी रस। ब्रह्मलीन श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इसके बारे में कहा, उपनिषदों में आया है रसो वैसा, तैतृय उपनिषद, वह परमात्मा रस स्वरूप है, अतः परमात्मा का ही अंश होने से जीव में यही रस स्वाभाविक है, परंतु जीव शरीर से संबद्ध होने के कारण जीवात्मा को वह रस सांसारिक भोगों में दिखने लगता है। भोगों के रस में जननेन्द्रिय का रस बड़ा प्रबल माना गया है। संसार में रुपयों के विषय में ईमानदार आदमी तो मिल सकते हैं, पर स्त्री के विषय में ईमानदार आदमी मिलना अपेक्षाकृत कठिन है। यदि साधक शरीर में अपनी स्थिति मानेगा तो उसको कम सताएगा, उसको काम सताएगा ही। यदि वह स्वरूप अर्थात सत्ता मात्र में अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान ले तो काम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप अर्थात सत्ता मात्र में काम, क्रोध आदि विकार नहीं है, कारण कि स्वरूप में कोई कमी है ही नहीं, वह पूर्ण है, फिर उसमें काम कैसे आएगा। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है, परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में कोई किंचित मात्र भी विकार पैदा नहीं होता, क्योंकि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पूजायते, संगास्त संगजायते कामः, कामाद क्रोधाभिजायते, क्रोधाद भवन्ति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता। श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में
आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी मुक्ति देने वाला हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। रस बुद्धि की समाप्ति तत्व बोध से ही संभव है। तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जब कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में भगवत स्मरण का रस मिलने लगता है, तब नाशवान रस स्वतः छूट जाता है। भारत के 12 देवी विग्रह और उनके स्थान। कांचीपुरे तु कामाक्षी मलय भ्रामरी तथा केरले तु कुमारी सा अम्बान्यतेषु संसिता करवीरे महालक्ष्मी कालिका माले वेगसु रसः प्रयागे ललिता देवी विंदे विंदवासिनी वाराणस्यां विशालाक्षी गयायां मंगलावती गंगे चु सुंदरी देवी नेपाले गुहकेश्वरी इति द्वादश रूपेण संसिता भारते शिवा एतासां दर्शना देव सर्व पापः प्रमुच्यते असत्तो दर्शने नित्यं स्मृत प्रातः समाहित तथाप्युपासक सर्वे पराधर्मुच्यते। त्रिपुरा रहस्य। जगत जननी भगवती महाशक्ति कांचीपुर में कामाक्षी रूप से मलयगिरी में भ्रामरी भ्रमरंबा नाम से केरल अर्थात मालाबार में कुमारी कन्याकुमारी अनाथ गुजरात में अंबा करवीर अर्थात कोल्हापुर में महालक्ष्मी मालवा अर्थात उज्जैन में कालिका प्रयाग में ललिता अलोपी तथा विंध्यगिरी में विंध्यवासिनी रूप से प्रतिष्ठित हैं। वे वाराणसी में विशालाक्षी गया में मंगलवती बंगाल में सुंदरी और नेपाल में गुहकेश्वरी कही जाती हैं। मंगलमयी पराम्बा पार्वती इन 12 रूपों से भारत में स्थित हैं। इन विग्रहों के दर्शन से ही मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। दर्शन में असक्त प्राणी सावधान चित्त से प्रतिदिन प्रातःकाल इनका स्मरण करें, ऐसा करने वाला भी सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। पंडित के लक्षण। द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पंडित। आत्मज्ञानम समारंभस्थितता धर्मनित्यता यमार्थन्नपाकर्षन्ति सभय पंडित उच्यते। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उद्योग दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से चित नहीं करते वही पंडित कहलाता है। He alone is entitled to be named Pandit, who knows his worth, is
industrious, has the capacity to suffer, and who does not deviate from his duty under any circumstances. Next. यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रति परे कृतमेवास्य जनन्ति सभय पंडित उच्यते. दूसरे लोग जिसके कर्तव्य सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं वही पंडित कहलाता है. We call him पंडित whose activities are not known to others when that is considered or advised, but only when that succeeds. यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचिद्दव मन्यते नराह पंडित बुद्ध्या. विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते. द लर्नेड मैन डीप इन देयर विजडम नो देयर लिमिटेशंस दे एस्पायर टू अचीव व्हाट इज पॉसिबल विद इन देयर पावर एंड वर्क फॉर द सेम. For them, no effort, however small, is below their dignity. Vidur Niti. धन्यवाद. नमस्कार.